आज की इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे ऑटोमेटेड कमाल के रोबोट्स जो कि हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखे हो। तो चलिए चलते हैं रोबोट्स की इस दुनिया में और देखते हैं क्या खास है इसमें आपके लिए। नंबर 12, C8500। ऑनलाइन शॉपिंग का चलन आजकल काफी तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में काफी बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं जहां पर सामान रखा होता है और कोई भी सामान जब ऑर्डर होता है तो वेयर हाउस में सबसे पहले तो उसे ढूंढना होता है, जिसके बाद पैकिंग करके उसे आगे के लिए प्रोसीड किया जाता है। लेकिन इस काम में काफी मेहनत और समय दोनों ही लग जाते हैं क्योंकि वेयर हाउसेस काफी बड़े बड़े और लंबाई में होते हैं और ऐसे में एक छोटी सी चीज को ढूंढना अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन इसके लिए इस तरीके के रोबोट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि एक तरीके का ऑटोमेटेड रोबोट है, जिसे कि आप प्रोग्राम कर देते हैं उस तक जाने के लिए, जहां पर जाकर ये उस सामान को पिक करेगा जिसके बाद ये फौरन आप तक पहुंचा देता है। यानी कि किसी भी वेयर हाउस में सामान को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही सामान को लाना और ले जाना दोनों ही काम आसान हो जाते हैं इस रोबोट की मदद से। तो इस तरीके के रोबोट को अलग अलग तरीकों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना सिर्फ बड़े बड़े वेयर हाउसेस में बल्कि इंडस्ट्रियल एरियाज वगैरह में भी भारी सामान को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 11, सीट यूवी रोबोट। हॉस्पिटल जैसी बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां पर समय समय पर यूवी स्टरलाइजेशन भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस काम को करने में काफी मेहनत और टाइम दोनों ही लगता है, जहां पर ये रोबोट इस काम में आपकी हेल्प कर सकता है। दरअसल ये एक तरीके का यूवी स्टरलाइजर होता है, जहां पर ऊपरी हिस्से में आपको यूवी लाइट्स लगी हुई देखने को मिल जाएंगी और ये रोबोट पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है, जिससे कि ये वार्ड बाय वार्ड जाकर अपना काम ऑटोमेटेड तरीके से कर पाएगा। आप इस रोबोट को अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बाद आप जहां चाहें वहां पर इसे सेटअप कर सकते हैं और उस जगह को अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करने में ये आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके का रोबोट खास तौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह में काफी यूजफुल रहेगा। नंबर 10, वॉल्वो CEZX। दोस्तों, आपने एस्केवेटर्स तो काफी सारे देखे होंगे जिन्हें कि जनरली एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है, लेकिन अब जिस तरीके का एस्केवेटर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक पूरी तरीके से ऑटोमेटेड एस्केवेटर होता है, जिसे कि इजीली रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है। इस एस्केवेटर की खास बात ये होती है कि इसका डिजाइन स्पेशलाइज होता है, जिससे कि ये हैवी लोड भी इजीली कैरी कर पाएगा। इसके ऊपरी हिस्से में कैमरास और सेंसर्स लगे होते हैं, जिससे कि वर्क को मॉनिटर किया जा सकता है और रिमोटली इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो फ्यूचर में हो सकता है इस तरीके के एस्केवेटर आपको भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल एक लाइक जरूर इस एस्केवेटर के लिए बनता है। नंबर 9, क्लियरबॉट। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा रोबोटिक इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल नदियों और तालाबों की साफ सफाई में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का बोट जैसा दिखने में लगने वाला मैकेनिज्म होता है, जिसके निचले हिस्से में दोनों तरफ नेट्स लगे होते हैं, जिससे कि कूड़ा करकट वगैरह इसके नेट्स में फंस जाता है और पानी सहित ये नेट्स के अंदर चला जाएगा। और इसके पिछले हिस्से में एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, जिसमें कि ये सारा कुछ कूड़ा करकट इकट्ठा होकर इसके स्टोरेज टैंक में चला जाता है। तो नदियों की साफ सफाई के लिए या फिर तालाब वगैरह की साफ सफाई के लिए गैजेट काफी बेहतरीन रहेगा, जिसकी जरूरत मुझे लगता है इंडिया में आजकल बहुत ज्यादा है। नंबर 8, फाइबॉट वेयरहाउस। अब जो रोबोटिक गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका इस्तेमाल आप भी अपने घर की या फिर अपने ऑफिस की साफ सफाई में कर सकते हैं, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, ये एक तरीके का क्लीनिंग रोबोट होता है, जिसे कि खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस बनाया गया है। इसका इस्तेमाल आप वैक्यूम क्लीनिंग या फिर मॉपिंग के लिए भी कर सकते हैं, जिसके लिए खास तौर पर जाना जाता है। साइज वाइज देखा जाए तो ये नॉर्मल क्लीनर से काफी बड़ा होता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर इंडस्ट्रियल पर्पस किया जा सकेगा। इसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स या फिर बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर काफी बड़े बड़े हॉल्स हो। ऐसे में ये रोबोट अपना काम ऑटोमेटेड तरीके से करता है और इसका एक चार्जिंग डॉक भी होता है, जहां पर जाकर ये अपनी खुद की साफ सफाई और अपने चार्जिंग का काम भी इजीली कर पाएगा। तो इसे ऑपरेट करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि एक सबसे अच्छी बात रहती है, और ये अपना काम ऑटोमेटेड तरीके से करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। नंबर 7, मैक्स AI। दोस्तों, जब भी आप अपने घर का कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं तो जब भी वो कूड़ा जाता है प्रोसेस के लिए आगे, तो उसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें जो प्लास्टिक वगैरह की चीजें होती हैं उन्हें अलग रखा जाता है या फिर फूड वेस्ट मटेरियल को अलग कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है, जिस काम को ज्यादातर मैन्युअली ही किया जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए इस तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि प्लास्टिक या फिर लोहे जैसी चीजों को फिल्टर करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट होती है, जहां पर कुछ एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं, जिसके बगल में रोबोटिक आर्म्स को फिक्स कर दिया जाता है, जो कि प्लास्टिक या फिर इसी तरीके के गार्बेज को फिल्टर करने का काम करती हैं। ये प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होता है, जिसे कि कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार सेटअप करने के बाद ये अपना काम खुद ब खुद करता रहेगा। तो रिसाइक्लिंग से पहले फिल्ट्रेशन का प्रोसेस काफी ऑटोमेटेड हो जाता है इस तरीके के AI पावर्ड रोबोट की मदद से, जो कि अपने आप में एक वाकई काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। नंबर 6, एनवे।
कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें रोबोटिक क्लीनर्स की जरूरत पड़ती है साफ सफाई के लिए, क्योंकि उनका एरिया इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अगर इस काम को मैन्युअली किया जाए तो काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके के रोबोटिक क्लीनर को देखेंगे तो ये काफी एडवांस और ऑटोमेटेड होता है। इसे खासतौर पर ऐसी जगहों के लिए बनाया गया है जो कि एरिया में बहुत ज्यादा बड़ी हो। इसके पीछे की तरफ एक गार्बेज स्टोरेज टैंक लगा होता है जो कि सारा कूड़ा इकट्ठा करता रहता है। इसके निचले हिस्से में ब्रशेस और वैक्यूम क्लीनर्स लगे होते हैं जो कि कूड़े वगैरह को इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे, जिसे कि बाद में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकेगा। तो इस तरीके के ऑटोमेटेड क्लीनर को इस्तेमाल किया जा सकता है फुटपाथ वगैरह की साफ सफाई के लिए या फिर बड़े बड़े हॉल्स वगैरह को साफ करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 5, प्रीवा कॉम्पैनो। दोस्तों, जब प्रोफेशनल ग्रेड पर फार्मिंग करी जाती है तो ऐसे में पेड़ों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक छोटी सी छोटी भी चीज आपके प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है। और ऐसे में जरूरत होती है कुछ आपको ऐसे ऑटोमेटेड गैजेट्स की जो कि आपके काम को आसान बनाए। ठीक ऐसा ही ये रोबोटिक गैजेट रहता है जो कि खास तौर पर पेड़ों की कटाई छटाई के लिए बनाया गया है। जनरली जब पेड़ों की हाइट काफी ज्यादा होती है तो ऐसे में उन्हें छांटना काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसमें रोबोटिक्स आर्म्स कटर लगे होते हैं जो कि इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जिस भी पेड़ की टहनी को आप काटना चाहते हैं से टारगेट करके वो काम करवा सकते हैं, या फिर ये ऑटोमेटेड तरीके से खुद ब खुद भी अपना काम कर लेता है। इसे आप दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि एक मजेदार बात है, जिससे कि पेड़ों का ध्यान हमेशा ही रख सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से। तो प्रोफेशनल ग्रेड की फार्मिंग के लिए इस तरीके का गैजेट काफी हेल्पफुल रहेगा। नंबर 4, रोबोमार्ट। आज की तारीख में अगर हमें कोई जरूरी सामान लेना होता है तो हम इसके लिए मॉल जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ऐसा भी हो कि बहुत जल्द मॉल आपके पास चलकर खुद आ जाए। जी दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा ही सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल फॉरेन कंट्रीज में किया जा रहा है। दरअसल इसमें व्हीकल्स को मॉडिफाइड करके उसे एक छोटे से मॉल में तब्दील कर दिया जाता है, जहां पर आपके जरूरत का काफी सारा सामान देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कैटेगरी का सामान चाहते हैं ठीक उसको ऑर्डर करके बुला सकते हैं अपने पास, जहां से आप अपना जरूरी सामान परचेस कर पाएंगे। ये सिस्टम भी ऑटोमेटेड रहेगा, जिसके साथ आपको एक मोबाइल फोन ऐप भी मिल जाएगा। आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं उसी व्हीकल को आप ऑर्डर पर अपने घर पर बुला सकते हैं। जैसे कि अगर आप सब्जी खरीदना चाहते हैं तो वही वाला मॉल आपके घर तक चलकर आएगा, या फिर अगर आप ग्रोसरी खरीदना चाहते हैं तो उसी व्हीकल को आप अपने घर पर बुला सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड हूं, और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। नंबर 3, ऑनग्रिड रोबोटिक पिक। ऑनलाइन ऑर्डर्स की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए फॉरेन कंट्रीज में कुछ इस तरीके के रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खास तौर पर सामान को ढूंढकर पैक करने के लिए बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, जब ऑर्डर काफी ज्यादा होता है तो ऐसे में सामान इधर उधर रखा होता है, तो इसमें एक चैनल को डिजाइन किया जाता है जहां पर उन चैनल्स में सामान को रख दिया जाता है, और जब भी उस तरीके का कोई भी ऑर्डर आता है तो रोबोट जाकर उस सामान को पिक करता है, जिसके बाद पैकिंग के लिए फर्दर प्रोसीड कर देगा। तो एक बेहद ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरीके के सिस्टम में, जो कि ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम को काफी कम करता है। और बस जब ग्रोसरी ऑर्डर्स की होती है तो ऐसे में ऑर्डर्स काफी तेजी से डिलीवर करने होते हैं, और ऑर्डर प्रोसेस टाइम कम होने की वजह से इस डिलीवरी सिस्टम को भी काफी फास्ट बनाया जा सकेगा। तो आजकल की ई कॉमर्स वेबसाइट्स कुछ इस तरीके के भी सिस्टम को तैयार कर रही हैं, जिससे कि वो अपने डिलीवरी सिस्टम को और भी फास्ट बना पाएंगी। नंबर 2, एक्सीड एगबॉट 2.055W4। अब मैं आपको एक ऐसा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट दिखाने वाला हूं जो कि ऑटोमेटेड होने के साथ साथ काफी फास्ट भी रहता है। दरअसल ये एक तरीके की मॉविंग मशीन होती है, जिसका इस्तेमाल घास वगैरह को साफ करने के लिए या फिर जमीन को भुरभुरा बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो फोल्डेड मोड में ये मशीन काफी ज्यादा छोटी होती है, लेकिन जब ये एक्सपेंड हो जाती है तो ये अच्छे खासे एरिया को कवर करती है, जिसके निचले हिस्से में आपको ब्लेड्स लगे हुए देखने को मिल जाएंगे जो कि घास वगैरह या फिर फसल काटने का काम तेजी से कर सकते हैं। वहीं इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स को भी इस्तेमाल किया जाता है के हिसाब से, जिससे कि इसके एग्रीकल्चरल यूजेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके की मशीन खास तौर पर बनाई गई है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। नंबर 1, नाइटस्कोप K5। वैसे तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरास वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसे सीसीटीवी कैमरास जो कि एक जगह पर फिक्स होते हैं वो कोई खास इफेक्टिव नहीं होते। तो इसके लिए अगर चाहें तो इस तरीके के रोबोटिक सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक तरीके का सिक्योरिटी रोबोट होता है। इसमें चारों तरफ कैमरास और एडवांस सेंसर्स लगे होते हैं, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। इसे एक जगह से ऑपरेट किया जा सकता है या फिर ऑटोमेटेड मोड पर भी डाला जा सकता है, जिससे कि ये चारों तरफ घूम घूम के अपने आप सिचुएशन की रिकॉर्डिंग करता रहेगा और सारी
की सारी रिकॉर्डिंग आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर बैठकर। इसका कंट्रोल भी बेहद आसान होता है क्योंकि इसमें लगे होते हैं एडवांस सेंसर्स, जिससे कि ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जैसे कमाल के फीचर्स भी आपको प्रोवाइड कराता है। इसका इस्तेमाल मॉल्स में, रेलवे स्टेशन में या फिर एयरपोर्ट जैसी जगहों पर किया जा सकता है जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में ये रोबोट घूम घूम के चारों तरफ निगरानी कर सकता है, जिससे कि सिक्योरिटी में काफी हेल्प मिलेगी। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये एडवांस सिक्योरिटी रोबोट कैसा लगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।